सो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से आप लोग एक वीडियो में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज जो है ग्रेडर में जो है ब्लेड लगवा रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे कि ब्लेड जो है किस तरह से लग रहा है। तो वीडियो आपको पूरी डिटेल मिलेगी, तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, पूरा लास्ट तक देखिए, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा जो ग्रेडर का ब्लेड है वो किस तरह से चेंज करते हैं। देख लो भाई कैसे ब्लेड लगता है ग्रेडर में। देखो भाई ब्लेड कैसे लगता है ग्रेडर में। सब ठीक है, मतलब एक 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 बोल्टवा एक एक तरफ एक बार लगाओ, का उठान लगाओ में दिक्कत होए तो उठान लगा ले। हम इन पे लगाते हैं। हाँ, एक तरफ को उठा के पहले आप लगा लीजिए, फिर उधर का लगा लीजिए। लगाओ, हाँ बस रोक करो। अरे हाँ चलो फंस गया, लगाओ तुम उधर। लगा देगा चलो, लग फंस गया, टाइट कर लो उधर के। देखो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लेड को इस कंडीशन में करते हैं, सर्कल को बाहर शिफ्ट करते हैं। सर्कल को बाहर शिफ्ट करने के बाद से ब्लेड को फोल्ड करते हैं, इस कंडीशन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि ब्लेड लगाने का सही तरीका यही, जैसे मिस्त्री साहब लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आपको सबसे पहले एक तरफ से उठाना है और एक बोल्ट फंसा लेना है और उधर का फंसा लेना है। इससे क्या हो जाएगा, ब्लेड जो अपना टंग जाएगा। अब आसानी से आप सारे बोल्ट को लगा लीजिए, ठीक है, जैसे कि अभी लगाया जा रहा है। ये अपने टेनी भैया हैं और ये मिस्त्री साहब हैं, मंत्री साहब हैं, मंत्री साहब बता रहे हैं, ठीक है। ये 24-28 दो को बोल्ट डाल रहे हैं आप लोग, क्या बात है, बोल्ट कम है क्या? हाँ, ये हैं पुराने वाले बोल्ट जो अभी खुले हुए हैं, ठीक है। ये हमको लग रहा पुराने वाले 28 के थे ना, पुराने वाले 28 के थे भाई। मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ आपके सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ठो लगते हैं इसमें, और 13 ही उधर लगते हैं, 13 दोना 26 बोल्ट जो है लगते हैं अपने दोनों ब्लेड में, ठीक है। और इधर आपको मिल जाएंगे पांच जो बोल्ट होते हैं वो साइड कटर के लगते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 1, 5, ये चीज़ अपना साइड कटर, ठीक है। अभी मैं अंदर से एक बार दिखा दूँ आपको, तो ये देखिए इसको बोलते हैं साइड कटर, ठीक है। ये चीज़ जो है साइड कटर है, ठीक है। एक चीज़ बता दूँ, जो ये साइड कटर से याद आया, जो कैस की मशीन होती है उसमें जो साइड कटर होते हैं ना, उसके जो बोल्ट होते हैं बिल्कुल यहाँ मीडियम में दिए होते हैं। इस चीज़ को जो है आप यहाँ से निकाल कर उस साइड में लगा सकते हैं, और उधर का चाहें तो आप इधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको निकाल के उधर लगाएंगे तो ये जो बोल्ट की साइज़ है वो यहाँ पर आएगा उधर, यहाँ पर जो खांचे नहीं हैं, तो यहाँ का जो साइड कटर है ये चेंज ही होता है इसमें। हमारे अमित उस्ताद जी आ गए, उसे बैठे थे अभी, देखिए जाने की तैयारी में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजार। लाइट सेट करने से पहले जो यहाँ की जो मिट्टी होती है, ये चीज भी जो है आपको साफ कर लेनी है, ताकि ब्लेड जो है आसानी से बैठे और चिपक जाए बढ़िया से, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि अभी हमारे टेनी भाई कर रहे हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। देखो दूसरा वाला ब्लेड जो है फंसाया जा रहा है, बोल्ट नहीं है क्या आपके पास? एक मिनट, ये बोल्ट है, देखो
बस बस छोड़ दीजिए, टाइट कर सकते हो आप लोग। देखो दो बोल्ट इधर भी फंसा दिया गया है, अब ये आराम से टाइट हो जाएगा, फिर इसको टाइट कर देंगे, फिर कंप्लीट है। और आगे दिखाते हैं आपको। तो देखो भाई, ये 24 नंबर बोल्ट और ये है 28 नंबर बोल्ट, जो कि ये पहले लगा हुआ था मशीन में। तो वैसे तो इसमें 28 नंबर ही डालना था, लेकिन कंपनी में जो 28 नंबर नहीं आने की वजह से 24 नंबर पड़ रहा है। ठीक है, ये देखिए 28 नंबर है और ये है 24 नंबर, कितना छोटा है आप लोग देख सकते हैं। ये चीज़ जो है महिंद्रा वहिंद्रा की जो मशीनें आती है ना, उसमें 24 नंबर बोल्ट लगते हैं। ठीक है, और इसमें जो 28 नंबर लगते हैं, लेकिन नहीं है तो ब्लेड को रोकने के लिए, चलाने के लिए इस तरह के लगाए जा रहे हैं। वैसे आप इसके बेस से भी देख सकते हैं, ये जो बेस है ना, ये पुरानी वाली ब्लेड, इसको मैं दिखाता हूँ आपको 24 नंबर डाल के। ये देखिए ये चीज़ जो है कितना डूब जा रहा है अंदर तरफ अंदर। तो ये चीज़ जो है छोटा है। ठीक है, अब यहीं पे 28 नंबर डालते हैं। 28 नंबर, एक मिनट इसको खोलता हूँ। ये देखिए 28 नंबर जो है फिक्स आ रहा है, बिल्कुल एकदम फिक्स आ रहा है, गड्ढे में नहीं जा रहा। और साथ में साथ ही इधर इसको देख लीजिए, ये जो है गड्ढे में जा रहा है, ये जो सामने, जबकि ये बोल्ट घिसा हुआ है काम करने से। ठीक है, और ये अंदर चला जा रहा है। तो ये चीज़ है, इसमें 28 नंबर पड़ना था, लेकिन जो है 28 नंबर ना होने की वजह से 24 नंबर डाला जा रहा है। इसलिए जो है मुझे जितना जानकारी उतना मैं आप लोगों को दे रहा हूं। भाई अपनी वीडियो चल रही है, और भी जानकारी चाहिए। देख लीजिए 120 है। ठीक है, 120 K2 नहीं है, केबिन में जो है 120 है केवल। कैट बारिश होने की वजह से मशीन जो है बहुत गंदी हो रखी है। मशीन में ब्लेड्स बदलते समय ज़्यादा कलाकारी तो इसमें नहीं है खैर, लेकिन खुद की सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो ब्लेड है, अगर आपके पैर पर गिर जाएगा तो पैर भी कट सकता है इससे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो में देख ही लिए हैं किस तरह से जो ब्लेड चेंज हुआ है और किस तरह से इसमें लगाया गया, सेम वैसे उसी प्रोसेस से आपको भी लगा लेना है। बाकी अपने पैर और हाथ का ध्यान में रखना है, किसी तरह से किसी के पैर और हाथ में ना लगे, नहीं तो पैर हाथ कट भी सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको सेफ्टी को केवल ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। बोल्ट को खोलना है और दूसरा बोल्ट लगाना है, ब्लेड को सेट करना है। आपको जो मैंने ब्लेड की जानकारी दी, आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, ऐसी आपको जानकारी और दिया जाएगा। और मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं बार बार बोलता हूँ, थोड़ा मेहनत को देखिए और मेरे को सपोर्ट करिए, आगे चल के आपसे अच्छे अच्छे और अच्छे ब्लॉग दूंगा। और ये मेरे साथ जो है अमित भैया है, देख लीजिए यही चलाते हैं वाला ग्रेटर जो अभी 120 है। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है।